आजादी से करीब 16 साल पहले नागा समुदाय का एक और सपूत शहीद हो गया। महात्मा गांधी से प्रेरित इस सपूत की कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है कि किसी भी हालात में अपनी माटी और अपने लोगों के लिए कैसे संघर्ष किया जाता है। नागा पुनर्जागरण के अग्रदूत हाइपो जादो नांग शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और मणिपुर के जलियांग्रोंग इलाके में अंधविश्वास और कुरीतियों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी थी। ब्रिटिश सरकार के नापाक इरादों को वे अच्छे से समझते थे और कुली प्रथा और पहाड़ी गृह कर के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे थे। साथ ही वे नागा संस्कृति के पुनरुद्धार को लेकर अभियान चला रहे थे। उन्हें नागा समुदाय अपना मसीहा मानती थी। हेराका आंदोलन के अग्रदूत हाइपो जादो नांग ईसाई धर्मांतरण के खिलाफ थे। नागा समुदाय के बीच वे इतने लोकप्रिय थे कि उन्होंने एक सेना का निर्माण किया था जिसे रिफिन कहा जाता था। ब्रितानी हुकूमत उनके आंदोलन का दमन करना चाहती थी, लेकिन जादो नांग लगातार अंग्रेजों को चुनौती दे रहे थे, लिहाजा उन पर हत्या का आरोप लगाकर इम्फाल जेल के पीछे नंबुल नदी के तट पर उन्हें फांसी पर लटका दिया। नागा समुदाय के मसीहा कहे जाने वाले हाइपो जादो नांग को हमारा नमन।